ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है? जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वो बनता है आपका उदारीकरण। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें, ये कंसेप्ट आपका कौन से टॉपिक में है ये बता देता हूँ आपको। ये आपका है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, जो आर्थिक सुधार है। अब इसके अंदर अगर देखें, ये है क्या आपका उदारीकरण को कहा जाता है लिबरलाइजेशन। पहले एक बार मीनिंग देख लेते हैं इसका, मीनिंग क्या है। लिबरलाइजेशन है आपका, इट मीन्स टू फ्री द इकोनॉमी फ्री द इकोनॉमी फ्रॉम डायरेक्ट कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाई गवर्नमेंट। अब यहाँ अगर देखें, ये क्या दिया गया है यहाँ पर लिबरलाइजेशन में आपका। लिबरलाइजेशन है, इट मीन्स टू फ्री द इकोनॉमी फ्रॉम डायरेक्ट कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाई गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट कंट्रोल लगाए हैं, जो रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, उनसे इकोनॉमी को पूरी तरह से फ्री कर देना। अब फ्री कर देने का मीनिंग क्या है? कौन कौन से जो कंट्रोल हैं डायरेक्टली जो गवर्नमेंट लगा देती है इकोनॉमी के ऊपर, कौन कौन से वो आपके कंट्रोल्स हैं या कौन कौन से रूल रेगुलेशन हैं? तो ये कहता है कि बिफोर 1991 से पहले गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के अंदर कई तरह के कंट्रोल्स लगा दिए थे। क्या वो थे आपके, जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, उसके बाद कंट्रोल ऑन प्राइसेस। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रतिबंध हैं जो गवर्नमेंट ने लगा दिए थे। अब उसके बाद हुआ क्या, तब उस टाइम पर कहा जाता था, उस टाइम पर कहा जाता था लाइसेंसिंग। इस सारे जो कंट्रोल थे जो लगाए थे गवर्नमेंट ने, इस सारे कंट्रोल्स को एक छोटी सी टर्म के द्वारा डिफाइन किया जाता था, वो थी आपकी लाइसेंसिंग। कि कोई भी इंडस्ट्री में आपको कुछ भी स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। बिफोर 1991 ऐसा था। तो 1991 के बाद हुआ क्या, क्योंकि यहाँ अगर देखें, यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। इंडस्ट्री लगानी है, उसके लिए लाइसेंस लेना होगा, प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल था, प्राइस अपने हिसाब से आप फिक्स नहीं कर सकते। तो उसके बाद अगर देखें, इम्पोर्ट अगर कुछ करना है, जैसे रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करना है, और कोई आइटम इम्पोर्ट करनी है, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने ये फील किया, सरकार ने ये महसूस किया कि इकोनॉमी के अंदर ये जो सिस्टम लगा रखा है, ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम लगा रखा है, इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी कमियां उत्पन्न हो गई हैं। बहुत सारे कहीं ना कहीं जो बैड इफेक्ट थे वो इसके इकोनॉमी के ऊपर आने लगे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को चेंज करने के लिए, दूसरा जो इस सिस्टम की वजह से जो और भी कमियां आ गई थी, जैसे करप्शन ज़्यादा बढ़ गया था, उसके बाद डिले बहुत ज़्यादा होने लगा था, डिले इन प्रोसेसिंग, हर चीज़ की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिले, बहुत ज़्यादा देरी होती थी, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या सोचा, गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप उठाया वो था आपका लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स लाइसेंसिंग का जो प्लेस है वो ले लिया लिबरलाइजेशन ने।
लिबरलाइजेशन क्या यहाँ था यहाँ पर कि गवर्नमेंट जो है वो लिबरल उदार हो गई थी। उदार का मीनिंग है कि गवर्नमेंट ने जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको ख़त्म कर दिया था। जो रूल्स जिनकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी, गवर्नमेंट ने केवल उन्हीं को रख दिया। हर चीज़ के लिए, हर इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, जैसे यहाँ था, हर इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए जो लाइसेंसिंग है वो कंपलसरी छोड़ दी गई, बाकी की लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया गया। तो लिबरलाइजेशन जो वर्ड था आपका, वो लाइसेंसिंग से रिप्लेस हुआ था। और लिबरलाइजेशन में यही किया गया था कि जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल हैं, जैसे ये जो डायरेक्ट कंट्रोल हैं इम्पोज बाय गवर्नमेंट, इनसे इकोनॉमी को फ्री कर दिया गया। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल से इकोनॉमी फ्री नहीं होगी, तब तक जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ नहीं कर सकती। अब लिबरलाइजेशन में क्या क्या किया गया है, लिबरलाइजेशन के लिए क्या क्या आपके कौन कौन से मेजर्स या कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए गए? पहला क्या है, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। यानी पहला क्या है यहाँ पर, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है उसको ख़त्म कर दिया गया। केवल 5 इंडस्ट्रीज ऐसी छोड़ दी गई जिनके लिए लाइसेंसिंग जरूरी है, केवल 5 इंडस्ट्री ऐसी छोड़ दी गई। तो बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, 5 इंडस्ट्री को छोड़कर बाकी जितनी इंडस्ट्री थी, सभी के लिए लाइसेंसिंग ख़त्म कर दी गई। अब वो 5 उद्योग कौन कौन से थे जिनके लिए जो लाइसेंस है, लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना ज़रूरी है, जिनके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना ज़रूरी है जिनको स्टार्ट करने के लिए, वो थी आपकी, एक तो आपकी लिक्वर इंडस्ट्री जो शराब उद्योग है, एक आपकी सिगरेट इंडस्ट्री जो टोबैको इंडस्ट्री है, एक आपका जो डिफेंस, जहाँ पर डिफेंस आपके इक्विपमेंट्स बनते हैं, रक्षा उपकरण बनते हैं, एक आपका जो एम्युनिशन जहाँ पर बनता है, विस्फोटक पदार्थ जहाँ पर बनते हैं, और एक आपके डेंजर्स केमिकल्स जहाँ पर बनाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को धीरे 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 ख़त्म कर दिया। कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो लिक्वर है, लिक्वर को, शराब को, उसके बाद सिगरेट या फिर कहें टोबैको इंडस्ट्री, डिफेंस इक्विपमेंट जितने बनते हैं वो आपके, रक्षा उपकरण जो बनाए जाते हैं, उसके बाद एम्युनिशन कह सकते हैं आपको इसको, या फिर जो इंडस्ट्रियल जो आपका एम्युनिशन है, इंडस्ट्री के लिए जो एम्युनिशन है, जो विस्फोटक हैं वो, डेंजरस केमिकल, ये 5 इंडस्ट्री ऐसी छोड़ दी, क्योंकि इनके इनको बिना लाइसेंस के स्टार्ट करना गलत हो जाता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन 5 इंडस्ट्री को छोड़ दिया बस, कि इन 5 इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना कंपलसरी है, इनको छोड़कर जितनी भी इंडस्ट्री हैं उन सब के लिए लाइसेंसिंग ख़त्म कर दी गई। तो कोई भी इन 5 इंडस्ट्री को अगर आप स्टार्ट नहीं कर करते इसको इनको छोड़कर अगर अन्य को स्टार्ट करते हैं इनसे अलग को, तो आप किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने की किसके अंदर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, NIP कहा गया उसे। गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम इंडस्ट्री के लिए नई नई पॉलिसी इश्यू करती है, और वो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं वो इंडस्ट्रियल रूल्स को, रेगुलेशंस को, या इंडस्ट्री के लिए अलग अलग नए नए नियमों को निर्धारित करती हैं, इंडस्ट्री के लिए नई नई चीज़ें लेकर आती हैं। जैसे पहले बहुत सारी इंडस्ट्री थी जिनके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में उन सभी जो रूल्स हैं उनको ख़त्म कर दिया गया, और केवल 5 इंडस्ट्री को छोड़ दिया गया, सभी के लिए लाइसेंसिंग ख़त्म कर दी गई। तो ये था आपका एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ये कहता है
ये तो आपका लिबलाइजेशन में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगर ये कहता है कि लिबलाइजेशन के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें की गई, जैसे जैसे आप अब अकेली इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते, आप इंडस्ट्री का एक्सपेंशन भी कितना भी कर सकते हैं, जितनी चाहें आप अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके लिए कोई गवर्नमेंट, कोई भी परमिशन गवर्नमेंट से लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब जो वो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट। इससे आगे हम नेक्स्ट डे में करेंगे।